ट्रेडर से GMT USDT का एक चार्ट है, प्रैक्टिस हम इसकी कर रहे हैं इस वक्त, और एक मार्किंग हमने की हुई है, जैसे कि मेरा एक स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क किया है। अब इस स्विंग हाई और स्विंग लो के पास से एक चीज़ देखिएगा, प्राइस का एक ये लो है और ये एक हाई लगा है, यहाँ से फिर एक लो और अगेन ये एक हाई, एक लो, और यहाँ से देखिए प्राइस ने क्या किया है, एक ये वाला हाई और एक ये वाला हाई, इन हाई को ब्रेक करके प्राइस बना ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब कि एक बड़ी सी कैंडल आई, इसकी अगर हम वॉल्यूम ऑन कर देंगे तो वॉल्यूम देखिए ऑन कर देते हैं, वॉल्यूम एक अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुई है, प्रीवियस कितने ही कैंडल से ज़्यादा की ये हमारी वॉल्यूम आई है सेम कैंडल की। बट इसके बाद भी मार्केट ने क्या किया है, अप से लेकर के डाउन साइड का ये मूवमेंट दिखाया। अगर प्राइस वाकई में इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, स्विंग को ब्रेक किया है, दोनों ही स्विंग्स को ब्रेक किया और इसको ऊपर जाना था, तो वापस से हमारी इस एक ग्रीन कैंडल से डाउन साइड की तरफ क्यों आ गया? अगर आया है तो फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता यहाँ से, बट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस मेरा नहीं निकला और यहाँ से सीधे प्राइस मेरा नीचे निकल गया, और इस ग्रीन कैंडल का हाई प्रोटेक्ट करने के बावजूद इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो ब्रेक कर दिया। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जब भी प्राइस हमारा ब्रेकआउट को फेल करता है तो मूवमेंट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं डाउन साइड में, बिकॉज स्टॉप लॉस ज़्यादा जाते हैं। इसे एक स्ट्रक्चर को देखिएगा, GMT USDT का ये चार्ट है और जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आप इसको देखिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हो। नहीं स्टॉक्स मिल रहे हैं तो आप करेंसी मार्केट में भी कर सकते हो। ये जो अभी एक स्ट्रक्चर बताए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा काम करेगा और लाइफ मार्केट में हेल्प करेगा आपकी। थैंक्स एंड मिलते हैं हम लोग।